सिवान सदर अस्पताल में चमत्कार हुआ जब एक मां ने एक साथ पांच स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। इस खुशखबरी के साथ माता पिता के तमाम परिजन भी फूले नहीं समा रहे हैं। कुदरत का करिश्मा देखिए, सिवान सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में एक साथ पांच पांच किलकारियां गूंज रही है। सिवान निवासी मोहम्मद झुन्ना की पत्नी फूलजहां खातून ने एक साथ पांच पांच बच्चों को जन्म दिया है तो पूरा का पूरा वार्ड उन पांचों नवजातों की किलकारियों से खिलखिला उठा है। वार्ड में एक कतार से लगे छोटे छोटे बेड पर पांचों बच्चों की खास देखभाल की जा रही है। जन्म के बाद से माँ और उसके पांचों नवजात पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लड़की तीन है, दो लड़के हैं, एक बच के 9 मिनट से निकालना शुरू किए, एक 10 में कंप्लीट कर दिए। सब सुरक्षित है, सब अभी सुरक्षित अच्छे हैं। फूलजहां खातून ने 4 साल पहले बिटिया को जन्म दिया था। इसी साल दूसरी बार गर्भवती हुई तो डॉक्टरों ने खास ख्याल रखने को कहा। इस बीच तय समय से 3 महीने पहले अचानक लेबर पेन होने लगा। परिजन दौड़े दौड़े सिवान सदर अस्पताल ले आए। मरीज की हालत देखकर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो एक के बाद एक 3 बेटियां और 2 बेटों को जन्म दिया तो परिजन खुशी के मारे उछल पड़े। सदर अस्पताल में हुआ और बहुत अच्छा और बहुत कम टाइम में हो गया है और ये बहुत अच्छा बात है कि अपने सिवान में ऐसा हो रहा है। पांचों बच्चा नॉर्मल हुआ है? जी जी जी, नहीं ऑपरेशन ऑपरेशन से हुआ है। जो कोई भी एक साथ 5 बच्चों के जन्म की बात सुन रहा है दंग रह जा रहा है। सिवान सदर अस्पताल में ऐसा अजूबा पहली बार ही हुआ है तो एक साथ इस दुनिया में आए 5ों नन्हे फरिश्तों का चेहरा देखने के लिए परिजनों की भीड़ लगने लगी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, सिवान।